पर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए, उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं। जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा, ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है। और राजनीति में आकर शिक्षा मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रही है। और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको राजनीति में लाया जाए, ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी, और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के जरिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहां पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे, उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी जिंदगी बीत जाती हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%, 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने आईटीजी मेंस क्वालिफाई किया था, इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिए, आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, आपको बता देंगे, सबसे पहले आप ही को बताएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।